Good afternoon, children. I'm Shubhangi Miss from first standard, and this is our English class. So now, today we are going to learn about uses of a and an. Morning में हमने पढ़ा था a और an का use. वही हम फिर से repeat कर रहे हैं कि a और an का use हम कैसे और किस तरह से करते हैं. ओके बच्चों, सो दिस इज आवर अल्फाबेट्स. ये अल्फाबेट्स हैं. यू नो दैट आप सभी को अल्फाबेट्स पता है, राइट चिल्ड्रेन? सो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं. सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर हियर? 26. There are 26 alphabets. Okay? ये जो alphabets है ये 26 है. और जो मैंने यहाँ पर yellow color से round किया है, these are vowels. A, E, I, O and U. These five alphabets are vowels. Okay, ये क्या है? Vowels है. Okay, so how many vowels are here? A, E, I, O, U. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 vowels in alphabets. Alphabets में 5 vowels होते हैं. Vowels का meaning क्या होता है? Swar. Vowels means स्वर. इन्हीं 5 लेटर को हम जोड़कर क्या बनाते हैं? मात्राएं बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मात्राएं. सो दिस 5 अल्फाबेट्स रिमेनिंग, इन 5 अल्फाबेट्स को छोड़ के जो भी बचे हुए अल्फाबेट्स है ना, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. एंड कितने कॉन्सोनेंट्स है? 21 कॉन्सोनेंट. और ये 5 वॉवेल्स और टोटल 26 अल्फाबेट्स. ओके चिल्ड्रेंस, सो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ ए एन. तो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं. ए और एन कहाँ पे और कैसे लगाना है, ठीक है चिल्ड्रेन? सो लिसन, एंड दिस इज द वर्ड ऑफ बैट. ये क्या है? बैट. और ये 3 लेटर वर्ड्स है. ओके, और जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके सामने ए लगाते हैं. समझ में आई बात? और जिस वर्ड की शुरुआत वॉवेल से होती है, दैट मीन्स ए. ए क्या है? वॉवेल है. तो वॉवेल से इस वर्ड की शुरुआत हुई है तो वॉवेल के सामने हमको एन लगाना है. आपको समझ रहा है कि वर्ड की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है तो उसके सामने ए लगाओ, और अगर वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो रही है, यू क्या है? वॉवेल है. तो ऐसे में हम वॉवेल के सामने एन लगाते हैं. जैसे कि ये है पॉट, तो पॉट का पहला लेटर है पी, और पी इज अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवेल. पी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. तो हम कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज मैन. मैन का पहला अल्फाबेट है एम, और एम इज अ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के सामने ए लगाना. देन आउल. ओ इज अ वॉवेल, और वॉवेल के सामने एन लगाना है. देन फिश. फिश का पहला लेटर है एफ,
और एफ इज अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के सामने ए लगाओ। गोट, जी ओ ए टी, गोट, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए लगाओ। डॉग, डॉग का डी पहला लेटर, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाओ। ई, डबल जी, एग, ई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के सामने एन। आइस यानी बर्फ, आई वॉवेल है, वॉवेल के सामने एन लगाओ। ऑरेंज, ऑरेंज का ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के सामने एन लगाओ। शिप, शिप का एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के सामने ए लगाओ। देन काइट, काइट का पहला लेटर के है और के वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने ए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जिस वर्ड की शुरुआत वॉवेल से होती है उसके सामने एन लगाना, और जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है उसके सामने ए लगाना। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, सो ए यूजेस ऑफ ए और एन। ओके, टेक केयर एंड बाय।